फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे बैठी थी, अभी एक जो लास्ट मेरा व्लॉग था उसको मैंने अभी एंड किया, और अभी बैठी हुई थी, टीवी देख रही हूँ बिग बॉस, और थोड़ा सा आज का मतलब प्लान फॉर द डे भी मैंने राइट डाउन कर लिया कि आज मुझे क्या क्या करना है। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं ये डायरी मेंटेन कर रही हूँ। बहुत दिन मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 5-7 दिन पहले मैंने किया था लेकिन अभी 5-7 दिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत जब ख़राब था तो मैं नहीं कर पा रही थी कुछ काम, और मतलब क्या करूँ, प्लान फॉर द डे कुछ हो ही नहीं रहा था, तो कुछ मैंने लिखा नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो एक्टिविटीज़ होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा राइट डाउन करती रहती हूँ। और आज मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और अभी चाय पी रही हूँ। आज मैं कोई डिटॉक्स नहीं ले रही हूँ, कोई कॉफ़ी नहीं ले रही हूँ, ये आज चाय, ये काली चाय बोलोगे या क्या है पता नहीं, इसमें चीनी नहीं है, लेकिन मैंने पूरा मग्गा भर के लिया है क्योंकि मुझे काढ़ा मतलब गर्म पानी के जैसा मुझे लेना था। तो इसमें मैंने अदरक, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें डाला हुआ है, तो चीनी नहीं डाला है, हनी डाला है उसकी जगह पे, क्योंकि मुझे चीनी इतना नहीं पसंद है। सुबह सुबह खास करके मैं बिल्कुल चीनी नहीं लेती, और कहीं पर भी अगर मैं प्रीफर कर पा रही हूँ अगर मतलब बिना चीनी का, तो मैं वही ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभार तो हो ही जाता है फ्रेंड्स, और क्योंकि मुझे मीठा इतना नहीं पसंद है। तो बस चाय एंजॉय कर रही हूँ, अपना टीवी देख रही हूँ, बिग बॉस, अकेली घर पे हूँ। कल करवा चौथ है फ्रेंड्स, और मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई थी रश्मि के साथ। मैंने एक्चुअली सूट नहीं कर पा कि मैं कुछ शॉपिंग भी करके आई हूँ, मतलब करवा चौथ के लिए जो पूजा का सामान होता है ये सब चीज़ें। अब पूजा का सामान तो है काफ़ी मेरे पास, मैं ले आई थी पहले, लेकिन कुछ जैसे हम लोग को चढ़ाया जाता है ना सुहागन का, सारा चीज़ मैं चढ़ाती हूँ, तो मैं किसी सुहागन को देना चाहिए, मैं दे देती हूँ मंदिर में चढ़ा देती हूँ मैं, तो उसी के लिए कुछ पैसा और कुछ चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। तो जो चाहिए था मुझे मैं वो ले आई हूँ, और मेरा भी मेहंदी, नेल पेंट, ये सब चीज़ें लेके आई हूँ। रेड कलर मैं नहीं लगाती, तो पिंक कलर का नेल पेंट लेके आई हूँ। और वरुण नहीं है तो इतना मुझे मन नहीं कर रहा है, अगर वो होते तो मैं ज़रूर किसी को बुलाती मेहंदी लगवाने के लिए। और मेरा पेशेंस भी नहीं है कि मैं 3-4 घंटा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इतने एक्सपर्ट नहीं है जो मेहंदी डिज़ाइनर है, लेकिन बहुत अच्छा लगाते हैं, बहुत सुंदर लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और मैं इतना टाइम बैठ के मतलब कहीं पे लगाना, मुझे रश्मि बहुत बुला रही थी कि आप यहाँ पे आ जाओ, और किसी को बुला लेते हैं और मैं शूट कर दूँगी, और मतलब आप मेहंदी लगा लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब मुझे जाने का मन नहीं किया, मतलब मेरा जो बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अभी इतना मतलब टाइम कहीं पे रहने का, इतना टाइम बैठ के ऐसे हाथों में मेहंदी लगवाने का अभी इतना मेरा नहीं है। मेरे मुंह पे नहीं दिखता है लेकिन मेरा बॉडी अभी भी बहुत वीक है, और धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ सब चीज़ों से मतलब सब चीज़ें ठीक करने के लिए, धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ। मम्मी का फ़ोन आ गया था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज में डाल दिया था। तो बस अभी घर जाऊंगी ना, तो घर जाके भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, बहुत दिन हो गया राही से मिली नहीं हूँ, और राही आई थी, राही और भाभी आए थे, लेकिन मैं घर जाके आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ राही को भी। और घर जाऊंगी तो मम्मी ने बोला हुआ कि यहाँ पे लंच करना, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं वहाँ पे अभी जाऊँ या शाम को जाऊँ, क्योंकि शाम को जाऊँगी तो कुछ चीज़ें लेके भी आ जाऊँगी, और अभी थोड़ा मुझे काम भी है, क्योंकि कल मैंने खीर वीर बनाया था, और खीर का जो बर्तन होता है ना फ्रेंड्स, वो तो धोते धोते उसका बहुत टाइम लग जाता है। और मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ, और आज करवा चौथ है। आज मैं सुबह से उठ गई हूँ और नहा के मैं रेडी हो गई थी, रात को ये मैंने खुद ने ही मेहंदी लगाया है, और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे सिंपल ही लगाया है, क्योंकि मेरे खुद ने ही लगाया है, मेरे पास कोई नहीं था लगाने के लिए, तो
तो बस नेल पेंट नहीं लगाया मैंने, नेल पेंट भी लगा लूंगी अभी, और चूड़ियाँ पहन लिया है। अकेली हूँ यहाँ पे, वरुण नहीं है, वरुण गए हैं काम पे, तो बहुत दिनों से गए हुए हैं, अभी टाइम लगेगा और एक हफ्ता लग जाएगा। तो बस बस आज इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वरुण नहीं है तो। और सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के अपना थोड़ा सा मतलब जो सर्गी होता है मैंने खा लिया है, और सर्दी में ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने दूध पी लिया थोड़ा सा, और ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो के रखा हुआ था कल रात से ही, तो बस उसी को खा लिया मैंने। और मैंने जो मंगवाया था ना फ्रेंड्स, एक सूट मंगवाई हूँ लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, और पता नहीं आज आएगा या नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इसीलिए। तो मम्मी बोल रहे थे बहुत सारा नया साड़ी है तो उसी में से एक पहन ले आज, और देखती हूँ मम्मी भी आएंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, तभी मैं देख लूँगी क्या पहनूँगी क्या नहीं। मम्मी को बोली हूँ कि साड़ी लेके आओ करके, तो साड़ी लेके आएंगे तो मैं वहीं से चूज कर लूँगी। और वरुण नहीं है ना फ्रेंड्स, तो मुझे करवा चौथ का जो मतलब वो होता है ना एक्साइटमेंट, वो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी करवा चौथ तो होता है, हर सुहागन लोगों के लिए एक मतलब बहुत बड़ा दिन होता है हम लोगों के लिए, तो मनाना तो है ही। जितना भी हो पाया मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आप लोगों को, कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। आज मुझे घर का भी कोई काम करने को मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने नीचे बोला हुआ है, मतलब जो आंटी के यहाँ जो आती हैं उनको मैंने बोला हुआ है कि आज थोड़ा सा मेरा घर का काम कर दे करके, तो देखते हैं वो भी, मैं वेट कर रही हूँ, वो 9:30 तक आते हैं और अभी 8:30 हुआ है, तो बस वही है। नेल पेंट भी मैंने नहीं लगाया है तो नेल पेंट भी अभी लगा लेती हूँ। छोटा सा वीडियो ही था फ्रेंड्स, ये कल का है क्योंकि कल का मैंने एंड नहीं किया था, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा शूट कर लूँ, और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, लेकिन यहीं से फिर से और एक ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दूँगी। और आज बहुत सारा काम है मुझे फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे ये ब्लॉग भी बनाना है, मेकअप वीडियो भी कंटिन्यू करना है, उसमें पूजा भी करना है, बाकी सारा अरेंजमेंट भी करना है, खाना बनाना है रात के लिए। तो फिर फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अब आपको अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स लाइट चली गई, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।